This is question number 3. Here we have to express a given function fx as a Fourier integral. So first we know that Fourier integral formula is given like this. So here we have given a function x given. Hai. That means we will convert it to v. But now it is not an integrable form. Here we have v and inside we have v. So you will have to change all v together. You have to order change karna padega. W ko aap bahar le le, W barabar, ye andar jo limit hai, W barabar 0 se infinity hai. Aur W ka koi function aisa nahi jo V se saath na ho, to isliye function V cos W x minus V aur yahan pe dV aur bahar chala gaya dW. Aapne janbujh ke order jo hai wo change kar liya. This is equation number 1. Ab ye aapko given hai. फंक्शन x बराबर 1 है और 0 है ये गिवन है mod x greater than 1 less than equal to हम इसको फंक्शन v में कन्वर्ट करने वाले हैं और आप सब जानते हैं कि मैं mod v less than 1 को लिख सकता हूं v की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में और ये वैल्यू ग्रेटर देन वन एंड लेस देन माइनस वन लेस देन माइनस वन और इसको ज़्यादा समझना हो तो फिलहाल इसमें ज़्यादा जगह नहीं होती यहाँ पे कॉपी में बोर्ड पे तो बहुत जगह है यहाँ पे कि मॉड वी लेस देन वन तो प्लस वन मॉड खुलेगा तो प्लस वन और माइनस वन दोनों आ जाएंगे ये माइनस वन ये प्लस वन v less than equal to 1 का मतलब यहां से यहां तक और greater than 1 का मतलब mod v 1 से आगे और minus 1 के पीछे अब हम क्या करेंगे जो हमारे equation number 1 में integral है हम उसको solve करने वाले हैं now वो भी अंदर वाले integral को now from 1 minus infinity से plus infinity dv इसको इंटीग्रल को हम तीन हिस्सों में ब्रेक करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन v है वो उसकी जो लिमिट है वो माइनस वन प्लस वन के बीच में वन से आ गया और माइनस वन के पीछे तो आप एक बार कहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन एक बार माइनस वन से प्लस वन और एक बार प्लस वन से इन्फिनिटी तक अब यहाँ वो मैंने पूरा नहीं लिखा है डी वी होगा डी वी डी वी तो वी की फंक्शन वी की आप लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यूज़ रखेंगे तो वो इस लिमिट को देखते हुए दो बार तो ज़ीरो हो जाएगी वन से आगे यहाँ पे भी और वन के पीछे माइनस वन के पीछे तो इन दो जगहों पे वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी सिर्फ आपकी ये वाली वैल्यू बचेगी प्लस वन और माइनस वन के बीच में फंक्शन की वैल्यू वन है तो बस आपका इसमें यहाँ पर एफ वी को मैं वन डाल दूँगा माइनस वन से प्लस वन कॉस डब्ल्यू x माइनस वी और डी वी बस अब इसको इंटीग्रेट करना है वो भी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है v का तो cos का तो साइन पॉजिटिव और नीचे क्या आएगा नीचे आपका माइनस w क्योंकि v के साथ जो मल्टीप्लाइड है w वो नीचे आ जाएगा और जिसको ये इंटीग्रेशन ज़रा भी अच्छा ना लगा हो होता हुआ वो क्या करेंगे लेट कर लेंगे w x माइनस वी बराबर t तो जब आप इसको करेंगे x तो कांस्टेंट है w भी कांस्टेंट है तो w dv माइनस के साथ बराबर dt तो इसलिए dv इज इक्वल टू माइनस ऐसे आए ये फिलहाल करने की बताने की ज़रूरत नहीं थी ये आपको आता है सब अब लिमिट लगाने वाला हूँ लिमिट v के लिए रखी जाएगी माइनस साइन डब्ल्यू एक्स प्लस वन में माइनस अंदर ले गया ये टर्म निगेटिव हो जाएगा पहला वाला लेकिन इसमें एक काम और करिए वन माइनस एक्स करके उल्टा माइनस बाहर लेके प्लस कर दिया ये जानबूझ के मैंने करा ताकि साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना सबको आसान पड़ता है टू साइन सी प्लस डी तो जैसे ये ऐड होंगे तो एक्स एक्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा टू डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू ये बनेगा टू साइन डब्ल्यू और दूसरे वाले में जब हम घटाएंगे कॉस के साथ तो ये जुड़ जाएंगे तो टू डब्ल्यू एक्स हो जाएगा बटे में दो तो डब्ल्यू एक्स बस ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर टू डाल दें इस टू का आप यूज़ जो है वो आप इक्वेशन नंबर वन में करिए
साइन डब्ल्यू कॉस, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, डेट बाई डब्ल्यू और डी डब्ल्यू। अगर आप प्रूफ देखें तो उसने लैम्डा में लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, हम उसको लैम्डा में भी बदल देंगे। फिलहाल जो भी ये आया आंसर में, तो खैर दो बातें हैं क्वेश्चन में, एक में कहता है कि फोरियर इंटीग्रल निकालिए और ये भी करिए, तो दिस इज द फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। दिस इज फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स आल्सो, थ्री कैन बी रिटेन एज, ये सिर्फ प्रूफ देख के जो क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका फंक्शन एक्स गिवन था, मैं इसको जीरो से इन्फिनिटी टू साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा और डी लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया। करने के बाद मुझे, क्योंकि ये चाहिए जीरो से इन्फिनिटी, ये गिवन है क्वेश्चन, साइन लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमने टू अपॉन पाई यहाँ से, तो ये पाई अपॉन टू और साथ में एफ एक्स और पाई अपॉन टू ऐसे ही, और एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे आप सब्सिट्यूट कर दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट हो जाएगी। बस पाई बाई टू अंदर ले जाए, वो एक ही पेज पे लाने, इसमें छोटा छोटा लिख दिया। बस यही आंसर है।